बता भाई, लूट मची कि नहीं? हाँ, तुझे लूटा गया कि नहीं? भरे आम सरे आम, कौन कौन से हॉस्पिटल ने लूटा बताओ, नाम बता दो डॉक्टरों के। LGI हॉस्पिटल है नागपुर में। हाँ, और माइंड क्लिनिक है नागपुर में भी। हाँ, और डॉक्टर जयसवाल करके हैं, वो भी हाँ। नागपुर में है, और रीवा में है डॉक्टर MH उस्मानी। हाँ, और डॉक्टर एक हैं अवस्थी करके हैं, रीवा में ही एक संजय गांधी अस्पताल में भी हैं, उन्होंने पूरा लूटा। यहाँ से वहां तक पैर मारते जाओ जय शनिदेव बोलते हुए, और वहां से यहाँ तक आओ। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड जवान। ये लाइन बीच से उठा दे, बोलिए शनिदेव महाराज की। काम करने दिया जाए, ये लाइन बीच से उठ जाए, यहाँ से पूरी लाइन बीच से उठ जाए यहाँ से। चलिए कुछ नहीं करना आपने, बस आना है मनु भैया के पास, मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा। आप खुश भारत का बेड़ा गरक होता जा रहा है। इन डॉक्टरों ने इतनी लूट मचा रखी है, आदमियों को बर्बाद कर दिया, लोगों को, गरीबों को, और वो भी ड्राइवर के बेटे से 8 लाख रुपए ले लिए। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लास्ट में कह दिया तू तो साइकाट्रिस्ट के पास चला जा, कुछ दिन बाद कहेंगे आगरा जाके जमा हो जा। जा अब आके बंद करो। मुझे ये बताओ आपको क्या रोग महसूस हो रहा है, आपका अपना जो रोग लेके आए थे। बॉडी बेटा सब कुछ महसूस करती है, आपकी बॉडी महसूस करती है तभी आप डॉक्टर के जाते हो। आपकी बॉडी में कुछ होता है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वरना तो क्यों जाओ। और जब कुछ होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से जब बहुत दिन तक इलाज नहीं होता, तो पता है डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं अब जो तुम्हें महसूस हो रहा है ये गलत हो रहा है, तुम भ्रम में आ गए। किसमें आ गए? भ्रम में आ गए। कितनी बुद्धि लिए हुए है, क्या उसने यही सीखा है? हाँ, उसने यही सीखा है। ये सबसे गंदी चिकित्सा है दुनिया की, आपको काट दे, बांट दे, फाट दे, आपके अंग न छोड़े, आपकी थैलियां निकाल दे, पिताश्य निकाल दे, आपकी बच्चे दानियां निकाल दे। आपको नहीं कहा, आपको बच्चा दानी दे। आप गंभीर हो गए ना? बोलिए शनिदेव महाराज की। इसने यही सीखा है और ये गलत है, सर्वथा गलत है। ऐसी कोई भी चिकित्सा जो आपको अंग विहीन कर दे, जो भगवान ने दिए है किस इंसान की बनाई हुई, किसी भी मशीन का अगर कोई पुर्जा आपने निकाल दिया तो वो मशीन सर्वथा वह लाभ आपको नहीं दे सकती। एक मोबाइल का पुर्जा बाहर कर दो, स्पीकर स्पीकर क्या होगा भाई, काम कर लोगे? सबके स्पीकर बाहर कर दिए डॉक्टरों ने, मौज ले रहे हैं खुद, रोज ले रहे हैं खुद, विदेश में घूम रहे हैं खुद, हैं करोड़ों अरबों रुपया जोड़ रहे हैं खुद, और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ड्राइवर के बेटे से 8 लाख रुपए 4 हॉस्पिटल वालों ने ले लिए, लास्ट में कह दिया आपको 8 लाख रुपए इसी बात के लिए है कि अब आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। मेरा भारत दब गया, मेरा भारत का युवा दब गया, उसकी सारी बुद्धि के बल को किसने हनन कर दिया? इन डॉक्टरों ने हनन कर दिया, एलोपैथी वालों ने। रोग कोई, दवा कोई, आदमी को भवरोग हुआ है भगवान के नाम से जाएगा, और दवा कोई और दे रहे हैं। इसका मतलब आप चोर हैं, आप लूटे रहे हैं, आप ठग हैं, और ठगी कितने की है बता दे बेटा? है 8 लाख की। चिक्के हॉस्पिटलों ने मिलके की है, 5-6 हॉस्पिटलों में मिलके की है, 10-12 डॉक्टरों ने की है। केवल दवाइयां दी है और टेस्ट दिए हैं बदले में, क्या दिया है? कहाँ बैठे थे भाई वे पर्ची लेके? हैं आप बीमार होंगे, आप तो जाएंगे, जब समाज में सामने आपका एक्यूरेट आदमी नहीं बैठा होगा, एक्यूरेट पर्सन नहीं बैठा होगा, तो आपने तो धोखा खा लिया ना, आप तो चले गए ना बेटा। और जब आपके साथ चल हुआ है तो आप कैसे पार पा पाएंगे? तेरे जैसे कितने युवा चले जाते होंगे बताना,
कितने लोगों को यहाँ देखते हो बताना। आपने देखा कल 31 साल के एक आदमी का पिता शेख निकाल दिया, उसको घबराहट दिल में होती है, दर्द दिल में होती है, पिता शेख यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया। तो क्या किसी की बुद्धि ये मानती नहीं है कि हमें पित्त की आवश्यकता होगी जिंदगी भर रोटी बचाने के लिए? क्या ये माता स्वार्थी नहीं होगी, ये बार बार ऐसे ऐसे कर रही है? आपको लगता नहीं कि ये माता स्वार्थी है, लोभी है, केवल अपना भला चाहती है, दूसरे का भला ना चाहती हो? जो आपके दुखों में, आपके कष्टों में, आपके दरिद्र में आपसे झुका ना हो, गौर से देखो कहीं वो आपका खुदा ना हो। क्या लगता है तुझे? सही बोल रहे हैं मानो भैया तो सही ही बोलते हैं। बोल दे जय शनिदेव, जय शनिदेव, जोर से बोल दे जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्या नाम है आपका? सुमित दुबे जी। सुमित पांडे। सुमित पांडे हो गए दुबे से? सुमित पांडे पहले से ही सुमित पांडे हो तो फिर भाई बीच में दुबे काहे बताया? हाँ हमने तो जाप सुमित दुबे के नाम से कर दिया। अच्छा हम सुमित पांडे के नाम से भी करते हैं। वहां से यहां तक जाओ, आओ परेड करो दो बार, शाबाश जवान। तू क्यों बैठी है? कौन सी बार आई है? पांच बार वालों को मैं देख ही नहीं रहा, पहली दूसरी बार वालों को देख रहा हूं। बैठने का कोई लाभ ही नहीं है भाई। इधर वाले हमारे हैं, इधर वाले हमारे हैं, तो इधर से कोई आवाज आ रही नहीं थी। आप यहाँ से इधर आए हैं? नहीं आए, इसलिए इधर वालों का जो यहाँ से इधर शिफ्ट हुए उनका भी नंबर दिया। मैं नहीं, मैं पीछे से आगे आई हूँ, पीछे बैठ बैठ के। आप क्यों बैठे हैं जवान? कहाँ है दीदी? दीदी को क्या है, आप तो पहली बार आए हैं। फिर बात करने में घबराहट हो रही थी, आपने सवेरे आते ही सबसे पहले मुझसे बात की है, अब आपको घबराहट हो रही है पूरे दिन में बात करके मुझसे? अब नहीं हो रही है, दो बार खा लिए ना आपने, अब कहाँ होगी? हाँ दीदी तेरी वहाँ गैस मुझे ज्यादा यहाँ बनाती है कमाल। अच्छा ये तेरी दीदी लगा मुझे, इसका चेहरा तुझसे मिलता जुलता है, इसकी नाक भी तेरे जैसी तोता नाक है, किसी को चाकू भी मार देती है। वो मना कर रही है, तू हाँ भर रहा सुनिए तो पहले। हाँ उसके बाद खाना भी उठा के फेंक देती है, किसी को बाल पकड़ के उठा के फेंक देती है। वहाँ उन्होंने निगेटिविटी बताई है। अभी आपका दूसरा दिन है, उस दिन कटने दो बेटा, उसको कटेगी तो ठीक हो जाओगे। मेरे को परसों जाना है, इस शादी दीदी का। कहाँ? इसी दीदी का। इससे बड़ी दीदी से छोटी उसकी शादी है। कोई बात नहीं, करके फिर आ जाना, आ गए ना तब तक कटती रही, घबराओ। क्या हो रहा है तुझे? कहाँ कूद रहा है? दर्द कर रहा है? वो तो मैंने किसी को घुसाया हुआ है, जो घुसेगा वही तो ठीक करेगा, वो तो राजा है बेटा। बाबू जाओ फिर से जवान, चलो। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव आराम पड़ता है।
आज हाजरी आई है? हाँ, एक थोड़ी बार पहले आई थी। थोड़ी सी आई होगी? हाँ। ठीक हो गए तुम तो पहले के? ये तो आराम हो गया ना भैया, इसी से तो आया। देखिए ना, तो आए वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, हम जाप कर रहे हैं, चीजें हैं अभी, आपको दर्द नहीं है, कष्ट नहीं है अभी, वो टाइट देवताओं के कारण लग रहा है, देवता काम कर रहे हैं, अभी जाओ बेटे, आराम करो, रहो, कुछ दिन बिल्कुल ठीक हो गए, यहाँ से जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। नाम बोलो।